नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। समय के मौजूदा दौर में स्ट्रेस व टेंशन के कारण लोगों में सिर दर्द की परेशानी बहुत ही आम हो गई है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब यह दर्द माइग्रेन का रूप ले लेता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में इस बीमारी से लाखों लोग पीड़ित हैं, जिनमें महिलाएं सबसे अधिक हैं। माइग्रेन बीमारी से ग्रस्त लोगों में जो लक्षण मुख्यतः पाए जाते हैं, उनमें चक्कर आना, बेचैनी, वर्टिगो, रोशनी और आवाज से सेंसिटिविटी हो सकती है। आमतौर पर माइग्रेन का दर्द सिर के आधे हिस्से में ही होता है, जो 2 घंटे से लेकर 2 दिनों से ज्यादा तक ठहर सकता है। अत्यधिक तनाव, नींद में कमी या फिर चिंता के कारण ही माइग्रेन की समस्या होती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए लोग कुछ नेचुरल उपायों का सहारा लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइग्रेन से निजात पाने के लिए हम कौन से नेचुरल उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर के बारे में। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि शरीर में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर दबाव बनाने से किसी भी तरह के माइग्रेन के दर्द को कम किया जा सकता है। इन बिंदुओं को दबाने से कुछ नसें फिर से एक्टिव हो जाती हैं, जिससे शरीर को प्रभावित हिस्से को आराम मिलती है। माइग्रेन के दर्द से पीछा छुड़ाने में कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को असरदार माना गया है। तर्जनी अंगुली और अंगूठे के बीच के जोड़े को दबाने से मरीजों को आराम मिल सकता है। अब हम चाय के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि चाय कैसे माइग्रेन की समस्या को कम करने में हमारी मदद करता है। तो हमारे देश के घरों में चाय की चुस्की ज्यादातर लोगों को पसंद होती है। चाय का सेवन स्वाद के साथ सेहत बनाने में भी फायदेमंद होता है। वहीं कुछ हर्बल चाय का सेवन माइग्रेन व नॉर्मल सिर दर्द से निजात दिलाने में कारगर साबित हो सकता है। अदरक वाली चाय माइग्रेन के दर्द को कम करती है। बता दें कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और दर्द को कम करने वाले प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे तेल की मालिश हमें माइग्रेन की समस्या से कैसे छुटकारा दिलाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि सर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी सिर पर पर्याप्त मात्रा में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। इस कारण लोगों में माइग्रेन की दर्द बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में सिर की मालिश करने से ब्लड फ्लो बेहतर होता है और माइग्रेन के दर्द से आराम मिलता है। तो इसलिए मालिश को एक बेहतर उपाय माना जाता है। जब सिर तक ब्लड ठीक से फ्लो करता है तो माइग्रेन की दर्द से छुटकारा जल्दी मिलती है। साथ ही गर्दन को स्ट्रेच करने से भी इसमें फायदा मिलता है। माइग्रेन से जूझ रहे मरीजों को कैमोमाइल की चाय से भी फायदेमंद मिलने की उम्मीद रहती है। तो इसमें पाए जाने वाले तत्व नर्व्स को रिलैक्स करने में कारगर होते हैं। सिरदर्द व माइग्रेन के दर्द से छुटकारा दिलाने में लेवेंडर टी को भी फायदेमंद माना गया है। हालांकि माइग्रेन की समस्या में ये उपाय कितने कारगर है इसकी पुष्टि बिहारी न्यूज नहीं करता। हमने यह जानकारी इंटरनेट से लिया है। अगर आपको माइग्रेन की समस्या बहुत ज्यादा परेशान करती है तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से मिलकर सलाह लें। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।